हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण और अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे भवन मालिकों और किराएदारों के मामले में अलग अलग शपथ पत्र पेश करें। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटीशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तब से हमें आदेश प्राप्त होता है, सत्यापित प्रति मिल जाती है, उसके बाद ही हम इसमें आगे कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें कुल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे, जो कि कई नोटिस ऐसे भी हैं कि जो एक ही भवन में कई व्यक्ति रहते हैं, कुछ उसमें व्यापार भी करते हैं, इसके अलावा धार्मिक संरचना भी है, कुछ खाम लैंड पर बनी हुई संरचनाएँ भी हैं। तो सुनवाई का अवसर सभी को दिया गया, उसके बाद जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिए, अपने अभिलेख हमें उपलब्ध कराए और जो हमारे विभागों के पास अभिलेख उपलब्ध थे, उसके परीक्षण के बाद ये पाया गया कि इसमें जो भू स्वामित्व रखते हैं उसमें मात्र 9 व्यक्ति हैं, जिसमें से 5 फ्री होल्ड हैं और इसके अलावा 4 राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमिधर हैं। तो समिति के द्वारा उन 9 लोगों को ही प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा नजूल भूमि पर, खाम भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके अपनी संरचनाएँ निर्मित की। एक फैक्ट ये भी है कि ये प्रचारित किया जाता है कि 101 लोग पूर्ण रूप से ध्वस्त होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मात्र नगर निगम के जो 8 से 9 शॉपकीपर्स हैं जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित होने हैं। इसके अलावा जो निजी संपत्ति में कुछ लोग हैं, उसमें से 4 संपत्ति ऐसी हैं जिसमें स्वयं उनके द्वारा व्यापार किया जाता है और अन्य 4 से 5 ऐसे दुकानदार हैं जो अन्य लोगों के किराएदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 20 के आसपास संख्या है जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 12 मीटर की परिधि में आंशिक भाग इसमें आ रहा है। बाकी जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अभिलेख हैं उसके अनुसार इस सड़क का जो ROW है वो 30 मीटर का है, मध्य बिंदु से 15 मीटर तक का ROW लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया है।